वेलकम टू स्ट्रक्चर आज का वीडियो है एक्जियल लोड और बाइक्जल मोमेंट के बारे में इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था यूनि एक्जियल मोमेंट एक्ज लोड और उससे पहले बनाया था पार्ट वन में हम लोगों ने एक्ज लोडेड कलम के बारे में ये तीनों सेगमेंट अगर ये पूरा पिछला दो दो सेगमेंट अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखो क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट मैंने दिया है जो इस वीडियो में थोड़ा सा काम आएगा और लेटरल बार के बारे में हमने एक्ज लोडेड कलम में बहुत ही डिटेल से और इंटरेक्शन कार के बारे में डायमेंशनल इंटरेक्शन कार के बारे में हम लोगों ने यूनि लो यूनि मोमेंट ड्राइक्ल लोड में बहुत ही डिटेल्स में बात की है तो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके प्लीज़ देख के आओ तो पहले बात तो इस मॉडल में हम लोग बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि बाइक्जियल मोमेंट होता क्या है उसके बाद इंट्रक्शन सरफेस के बारे में जानेंगे उसके बाद कोडल प्रोविजन और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और डिज़ाइन और उसका प्रॉब्लम देखेंगे देखिए पहली बात तो एक चीज़ कि ये बाइ एक्सेल मोमेंट होता क्या है देखिए हम लोगों ने देखा था कि यूनियक्जियल मोमेंट यूनियक्जल मोमेंट होता क्या है और एग्जियाली लोडेड कलम वो भी होता क्या है तो एग्जियाली लोडेड कलम में होता क्या है ये देखिए ये एक अगर कॉलम होगा ये ये कॉलम में सिर्फ अगर सिर्फ ये पी रहे ये दो चीज़ ना रहे सिर्फ और सेंटर से लोड जाए तो ये एक्जियाली लोडेड कलम हो गया ठीक है ये दोनों नहीं रहेगा एम और एमओ नहीं रहेगा सिर्फ लोड रहेगा वो भी सेंटर से तो इसको एक्जियाली लोडेड कलम कहेंगे एसेंट्रिसिटी परमिबल है तो उसके लिए भी एक फार्मूला दिया हुआ है जो थोड़ा बहुत एसेंट्रिसिटी परमिट करता है लेकिन लमसम उस सेंटर से जाना चाहिए अब ये हो गया अब दूसरा एक चीज़ क्या है कि अगर ये जो कॉलम है इस कॉलम में सिर्फ एक लोड वाई एक्सिस और एक सेक्सिस के ऊपर लोड रहेगा कहीं और नहीं या वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा या X एक्सिस के ऊपर रहेगा समव यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर समो यहाँ पर हो गया एक ही लोड यहाँ पर हो गया और यहाँ पर सॉरी और यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक्सिस के ऊपर होना चाहिए बाहर नहीं अगर कहीं एक जगह पर एक ही लोट होना चाहिए मतलब यहाँ पर एक लोट यहाँ पर एक लोट दो लोट नहीं एक ही लोट अगर यहाँ पर रहे या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर इन चारों लाइन में से कहीं पर भी रहे किसी के ऊपर एक लोट रहेगा तो एक लोट आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मोमेंट आएगा एक तो उसको हम लोग यूनी एक्सियल मोमेंट और एक्जियल लोडेड कलम कहेंगे लेकिन इन केस में क्या के होता क्या है बाय एक्जियल मोमेंट पे ये लोड सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा यह सेंटर पे भी नहीं रहेगा ये यहाँ पर लोड रहेगा समय यहाँ यहाँ और कहीं पर भी लेकिन इसका लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर नहीं कहीं पर रह सकता है लेकिन इन दोनों ये लाइन ये लाइन और सेंटर पे नहीं रहेगा तो इन केस में हम लोग इसे बाय एक्ज मोमेंट कहते हैं बाय एक्जेल क्यों देखो अगर यहाँ पर ये लोड रहेगा तो ये जो मोमेंट आएगा ये मोमेंट दो कॉम्पोनेंट पर डिवाइड होगा एक कॉम्पोनेंट तो हो गया आपका एम एक्स

तो यही चीज़ हम लोग ये बायोक्जल मोमेंट का मेन फंडा है यही ठीक है अब एक चीज़ ये एक अगर कॉलम हो गया और इस कॉलम का ये एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया और देखिए यहाँ पर एक लोट हम लोग मान लिए कहीं पर भी मान लिए यहाँ पर एक लोट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेंट्रिसिटी आएगा ठीक है और एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एस तो एक एसेंट्रिसिटी आएगा ठीक है और मोमेंट भी जनरेट होगा एज वेल एस, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है यहाँ का कि इसका स्ट्रेन इस डायग्राम जो आएगा हम जो स्ट्रेन डायग्राम यूनिक्जल मोमेंट में डिटेल्स में कवर किए थे वो स्ट्रेन डायग्राम का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है सम्भव यहाँ पे कहीं पर कहीं से जाएगा ये चीज़ यही से कहीं से न्यूट्रल एक्सिस जाएगा अगर यहीं से कहीं से न्यूट्रल एक्सिस आया तो ये लोड यहाँ पर एक्ट किया तो इसका न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ यही रहेगा और कहीं नहीं जा सकता ऑब्वियसली जा सकता है अगर ये लोड के पोजिशन चेंज हुआ तो इसका पैरल कहीं पर भी इसका न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर फिर से घूम घूम फिर के वही बात न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो रहा है तो एक फिक्स्ड स्ट्रेन डायग्राम हम लोगों को नहीं मिलेगा सबसे पहली बात अगर ये ई एक्स और ये ई एक्स और ये ई वाई दोनों मिल के जो एक रिजल्टेंट ई हम लोगों को मिल रहा है पाइथागोरस के एग्जांपल से जो ये रिजल्टेंट ई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस का फार्मूला uh, है e e root. ये सिंपली ट्रैको ट्रैकमट्री का फार्मूला है ईजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर रूट ये रूट होगा रूट के बदले में हमने ये लिखा है ठीक है वही बात एमयू के बारे में भी सेम एमयल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम यू वाई स्क्वायर इसका रूट रूट के बदले में हमने टू दी पावर हाफ लिखा है ठीक है अब देखिए एक चीज ये थीटा ये थीटा क्या है ये थीटा है द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक चीज ध्यान पे रखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑलवेज वाई एक्सिस के वाई एक्सिस से लेंगे हम लोग तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है उसका उसको निकालने का फॉर्मूला है ये चीज ठीक है तो वही चीज है लमसम और फिर से वही बात आ गया कि ये चीज हम लोग सीधे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हमारे स्टैंड डायग्राम फिर से आएगा स्ट्रेस ब्लॉक आएगा उसकी कॉरस्पोंडिंग हम लोग को फोर्स निकालना पड़ेगा इसके कॉरिस्पोंडिंग फोर्स निकालना पड़े, फोर्स निकालना पड़े तो यह बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है जो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड आसान नहीं है अगर एक बार फेल कर जाए

हेल्प लेते हैं एक चार्ट का अब वो चार्ट कहाँ से आए वो दिमाग वाले बंदे ने बनाया है प्रोफेसर ने इंजीनियर्स ने बनाया है ऑब्वियसली कोई इंजीनियर्स बनाएगा तो वो इंजीनियर्स ने बनाया कैसे बनाए वो वो बनाए हैं वो हीट एंड ट्रायल करके ही बनाए हैं ये चीज़ ये ऐसा एक चार्ट है वो होता है आपका इंटरेक्शन कर्व इन एक्चुअल लोड में हम लोगों ने बताया था वो इंटरेक्शन कर्व होता क्या है ऐसा एक चीज़ होता है मैं फिर से बता रहा हूँ ये कर्व होगा और ये कर्व पे पी वर्सेस एम एक कर्व होगा तो वहाँ पर कैलकुलेट करके इंट्रेक्शन कर्व ऐसे ऐसे एक हर इसका हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा जो कॉलम का न्यूट्रल एक्सिस डिफरेंट होगा हर एक पॉइंट के मान लीजिए इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस होगा इनफाइनाइट पे इसका स्ट्रेन डायग्राम ऐसे होगा हर एक पॉइंट एक 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 न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के रोकेशन को रिप्रेजेंट करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेफ है ठीक है तो ऐसे कर्व इंटरेक्शन कर्व कहते हैं तो इसका डायमेंशनलेस इंटरेक्शन कर्व फिर बनेगा ए पी बाय एफ सी के बी डी ठीक है एफ सी के बी डी यहाँ से अगर निकलेगा तो इसका एम बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर यहाँ से निकलेगा ये होगा डायमेंशन लेस इंटरक्शन कर्व इसके बारे में आप लोग को वीडियो में जाकर देख सकते हो तो ये एक कर्व आपका बन जाएगा ठीक है है तो ये है टू डायमेंशनल फिगर में टू डायमेंशनल क्यों क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक लोड और एक मोमेंट को कंसिडर किए थे जो कि एक ही डायरेक्शन में था मतलब हो सकता है वो वाई डायरेक्शन हो सकता है वो एक्स डायरेक्शन लेकिन एक ही मोमेंट था लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों डायरेक्शन में ही मोमेंट है एक डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी तो यहाँ पर ये टू डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है थ्री डायमेंशनल एक फिगर आएगा ही आएगा तो वही थ्री डायमेंशनल फिगर होता कैसे है होता ही ऐसे अपर पोर्शन जो है ये पी जैसे हम लोग यहाँ पर पी कंसिडर किए थे वहां पर अपर पोर्शन हो गया आपका पी और नीचे का पोर्शन हम लोगों ने कंसिडर किए थे एम लेकिन यहाँ पर दो एम है तो नाइन्टी डिग्री यहाँ का इस एंगल है नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री में ये हो गया आपका एम एक्स और ये हो गया आपका एम वाई ठीक है एम एक्स एम वाई अब देखिए हम लोगों ने कंसिडर किए थे, थे थ्रीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वो थ्रीटा पे ये आ गया आपका एम यू ये आपका हो गया थ्रीटा यह हो गया आपका एम यू अब देखिए एक केस बी का जो कर्व है मतलब ये जो कर्व है ये कर्व होता कैसे है ये कर्व है क्या ये कर्व है आपका वही इंटरेक्शन कर्व जो इंटरेक्शन कर्व अगर यूनि एक्जियल में सिर्फ ये रहेगा ये एम एक्स रहेगा और पी रहेगा और कुछ नहीं अगर इसको आप यूनि एक्जियल मोमेंट एक्जियल लोड कॉलम कंसिडर करोगे वहाँ पर अगर ये कंसिडर नहीं करोगे तो टू डाइशमेंशन पे आपको ये कर्व ये जो कर्व है ये कर्व आपको मिलेगा कुछ ऐसा फिर वही बात अगर आपको आप इसे नेगलेक्ट कर दो तो आपको ये कर्व मिलेगा ये कर्व ये जो कर्व है ये कर्व मिलेगा अगर इसको निगलेक्ट कर दो अगर इसको यूनिवर्जल कॉलम मानो तो वहां पर ये नहीं होगा इसको जीरो कर दो तो सिर्फ अगर ये होता और ये होता तो आपको ये कर्व मिलता जो एसपी सिक्सटीन में दिखाया गया है 16 में जिसको हम लोगों ने कंसिडर किए हैं है ना तो वहां पर से हम लोगों को सिर्फ यही कर्व मिलता तो ये कर्व और ये कर्व आपको मिल गया तो कहा से मिलेगा आपको पता चल गया अब देखिए प्लान ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरी प्लान ऑफ कॉन्स्टेंट लैमडा ये लैमडा क्या है ये लैमडा है आपका पिछले वाला स्लाइड पे देखिए ये जो लाइन आ रहा है ये सेंटर लाइन है और ये जो लाइन है ये आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका लाइन है तो इन दोनों में से जो लैमडा निकलेगा वो है प्लान ऑफ लैमडा ठीक है प्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट तो लैमडा तो एक कॉन्स्टेंट लैमडा के लिए ये एक कॉन्स्टेंट ऑफ का सर्फेस मिल गया ये कॉन्स्टेंट आपका प्लेन मिल गया ये प्लेन जो है पूरा प्लेन एक कॉन्स्टेंट लैमडा के लिए है अब ये थीटा डिग्री एंगल में है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी थीटा है लेकिन ये पूरा प्लेन है आपका एक कॉन्स्टेंट लैमडा के लिए अब लैम्डा चेंज होगा फिर एक सरफेस आपको मिलेगा तो ऐसे करके आपको थाउजेंड ऑफ सरफेस मिल जाएगा प्रोबेबली इनफाइनाइट सरफेस आपको मिलेगा अब इनफाइनाइट सरफेस मिलेगा तो कहीं पर भी अगर आप एक फिक्स्ड पी कंसीडर कर लिए कि ये रहा आपका फिक्स्ड पी तो ये फिक्स्ड पी पे, पे आपका ये जो पॉइंट है इसका ये पॉइंट इसका ये पॉइंट एक फिक्स्ड पी पे इसका ये पॉइंट सारे पॉइंट अगर कनेक्ट कर दो तो आपका एक लोट कंटूर मिल जाएगा ठीक है एक लोट कंटूर आपका मिल गया यहाँ पर तो अब आपका एक लोट कंटूर अगर मिल जाएगा तो इस लोट कंटूर को आप बोलोगे प्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट पीयू। प्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट पीयू इस सरफेस को आप बोलोगे ठीक है और यहाँ पर जो लोड है जो मोमेंट है ये एम और जो मोमेंट यहाँ पर है वो एम यू ये एक्स डिरेक्शन में तो एम डि में में है? तो है पूरा ये फॉर्मूला के ऊपर है आपको ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करवाना है सिर्फ ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवा दो तो पूरा का पूरा डिजाइन हो गया आपका देखिए ये जो आई एस फोर फाइव सिक्स है ये आई एस फोर फाइव सिक्स ब्रेसलेट फॉर्मुलेशन के ऊपर आधारित है ब्रेसलेट्स फॉर्मूलेशन के ऊपर ही ये पूरा चीज़ कैलकुलेट किया गया है पूरा चीज़ पूरा कॉलम डिज़ाइन बैक रियल मोमेंट का कॉलम डिज़ाइन करते हैं वो लोग तो यहाँ पर जो एम यू एक्स और एम यू वाई ये है अप्लाइड लोड आप जो लोड अप्लाइड कर रहे हो कॉलम के ऊपर वो है ये दोनों चीज अप्लाइड मोमेंट आप जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हो ये मोमेंट आपको स्टैट और स्ट्रक्चर एनालिसिस से मिलेगा एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन ये दोनों चीज आपका स्ट्रेंथ मतलब रेजिस्टेंस हो गया आपका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ये भी एक मोमेंट है ये मोमेंट कैपेसिटी मोमेंट है ठीक है तो अल्फा आल्फाइन क्या है अल्फा आल्फाइन फैक्टर है जो डिपेंड करेगा आपका प्लेपलाइट लोड पी और रेजिस्टेंट कैपेसिटी लोड पीजेड इन दोनों के रेशियो के ऊपर ये अल्फे डिपेंड करेगा एक कर्व है जो कर्व में अगर आप आ, वो कर्व कुछ ऐसा होता है मैं भूल गया तो आपका कॉरस्पोंडिंग ये शायद P वर्सेस पी जेट ये कर्व में ये P वर्सेस पी जेट हो गया और ऊपर का हो गया अल्फाइन तो मेरा ठीक से ख्याल नहीं वो कर्व तो इसी कर्व से वो निकालता है तो अल्फाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा उसका एक आइस सिंपल एक

तो ये देखिए पी यू बाई पी जेट अगर पॉइंट टू से पॉइंट एट तक होगा ये पीयू बाई पी जेट मान लोजिए ये पी यू बाई पी जेट है तो यहाँ पर ये पॉइंट टू ये पॉइंट टू कर्फ का और ये हो गया आपको पॉइंट एट पॉइंट टू से पॉइंट एट तक जो वेरी करेगा ना वहाँ पर वन से टू तक आल्फा वेरी करेगा मतलब आल्फा का ये पॉइंट है वन और ये जो पॉइंट है ये टू है अब एक बात बताओ पॉइंट टू से पॉइंट एट तक ये लीनियरली वेरी कर रहा है लीनियरली मतलब लीनियर इंटरपोलेशन करके इन दोनों से बीच कोई भी पॉइंट थ्री के लिए भी आप निकाल सकते हो पॉइंट वन uh, से पॉइंट वन से टू तक कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो लेकिन अगर पॉइंट टू से अल्फा ये डेटा पी बाई पी से पॉइंट टू से नीचे आ गया तो अल्फाइन का वैल्यू क्या होगा ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट है लाइन है तो अल्फाइन का वैल्यू वन होगा और पॉइंट एट सॉरी पॉइंट 8 से का वैल्यू ऊपर चला गया तो वैल्यू सिर्फ है। है। तो तो एक ही लाइन मैंने आई एस कोर्ट से ही ये पूरा चीज पूरा ये लाइन आई एस कोर्ट से कॉपी करके यहाँ पर बैठा दिया एज इट इज तो यही चीज है तो ये डिजाइन स्टेप तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को

डी डैश बाई डी रेशियो आप डी डैश बाई डी रेशियो आप कंसिडर करोगे ठीक है फिर आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है इस फार्मूला के लिए ब्रेसलेट्स फार्मूला के लिए और रिक्वायर्ड डेटा निकालोगे और रिक्वायर्ड डेटा निकालने के बाद इस फार्मूला पे सॉरी इस फार्मूला पे आप लोग इस फार्मूला पे आप लोग बैठाओगे देखोगे कि ये प्रॉब्लम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका कॉलम ठीक है अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा रिकनक्लूसन करना पड़ेगा देखिए एक प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में पहली बात तो जो डेटा है तो वो है पी यू दिया हुआ है पी ये सारे डेटा पी मेक्स सब कुछ दिया हुआ है अच्छा एक क्वेश्चन में आ, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए यहाँ पर एफ ई फोर वन फाइव दिया हुआ है ये फोर वन फाइव इल स्ट्रेंथ कौन सा इल स्ट्रेंथ है अपर या लोअर इल स्ट्रेंथ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेगा तो तो देखो पहली बात तो पहले प्रॉब्लम का पहला स्टेप आप लोग करोगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी वेरिफिकेशन का एक सिंपल फार्मूला था सिंपल फार्मूला एल बाई फाइव हंड्रेड यह है एल एल बाई फाइव हंड्रेड प्लस डी बाई थर्टी और ट्वेंटी एम एम एंड ट्वेंटी एम एम इन दोनों में से इसमें से और इसमें से जो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे देखो इसका डेटा निकला नाइनटीन पॉइंट सेवन थ्री और ये होगा ट्वेंटी एम एम इन दोनों में से ट्वेंटी से ज़्यादा हम ट्वेंटी तो कंसिडर कर रहे हैं ये चीज़ हम लोगों ने लोडेड कलम पर कंसिडर किए थे पूरा निकालना वो वीडियो जाके इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो उन दोनों वीडियो को देखने के लिए आप लोग शायद कहीं पर सीखे हो डिजाइन कैसे करते हैं सिंपली स्टेप करके चले गए हो लेकिन ये डिजाइन सीखने की तरीका नहीं है अगर कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाए तो कुछ भी नहीं होगा कंसेप्ट को समझो तो दूसरी बात अगर ये एक, ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है रेक्टेंगुलर कॉलम में इसी डिरेक्शन में फेल होगा ये बात नहीं है इस डिरेक्शन में भी फेल हो सकता है ठीक है तो दोनों डिरेक्शन में आपका एसेंट्रिसिटी सब कुछ चेक करना पड़ेगा ठीक है तो एक्स मीन एक्स ए वाई मेन दोनों डिरेक्शन में ये कैलकुलेट करोगे लेंथ uh, दोनों डिरेक्शन में सही रहेगा लेकिन यहाँ पर फोर हंड्रेड के लिए करिए अब फाइव हंड्रेड के लिए करोगे तो इनमें से ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी में से बड़ा कौन है ये ट्वेंटी थ्री अब ये दोनों निकल गया अब एक्चुअल मेंसेंट्रिसिटी क्या है एक्चुअल मेंसेंट्रिसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एसेंट्रिसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है ई इक्वल टू एम बाई पी ठीक है ना एम बाई पी हम लोगों ने देखा था जो पहले स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर बाइक जल मोमेंट में होता क्या है यहाँ पर अगर लोड आ गया तो होता क्या है कि ये लोड यहाँ पर आ गया तो एम एक्स होता क्या है एम एक्स इजल टू इंटू पी ये लोड पी ठीक है तो एम एक्स ही कैलकुलेट किया जाता है तो एम आई कॉरेस्पॉन्डिंग यू आई हो, हो जाएगा यू आई होने के बाद यू आई पी तो एसेंट्रिसिटी निकालते कैसे है एक ई एक्स इजिकल टू एम एक्स बाई पी तो वही चीज़ हम लोगों ने किए देखो एम यू एक्स दिया हुआ है वन थर्टी एम यू वाई दिया हुआ है वन ट्वेंटी और लोड है टू थाउजेंड तो ई e एक्स क्या होगा एम एक्स एम यू एक्स बाई पी वही चीज़ हम लोग एम यू एक्स बाई पी देखो एक्चुअल एसेंट्रिसिटी है बॉडी की एसेंट्रिसिटी है सिक्सटी फाइव एम एम और ई e वाई कैसे निकला एम यू वाई बाई पी इसका एसेंट्रिसिटी निकल गया आपका सिक्सटी एम एम तो ये दोनों चीज़ ये दोनों चीज़ आपका मिनिमम से मिनिमम से बहुत ही ज़्यादा है ठीक है तो आपका बाइगजियर मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यही चीज़ सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है uh, मतलब ये देखो यहाँ पर इट इज़ सफिशेंट टू इन्श्योर दैट एसेंटिस एसेंट्रिसिटी एक्सीडिंग द मिनिमम वैल्यू अबाउट वन एक्सिस एट अ टाइम ठीक है ये uh, है ensure करने के लिए ठीक है किसी भी एक डायरेक्शन में अगर exit कर गया है है तो वो column ही है। तो आप देखो आपको <coughs> रेज्यूम uh, करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप सीधे सीधे एरिया ऑफ एनफोर्समेंट एजल टू वन परसेंट एज्यूम कर सकते हो एजल टू वन परसेंट आप एज्यूम कर सकते हो एरिया ऑफ स्टील करके अगर अंत में देखोगे ये एरियो ऑफ स्टिल आपका सेटिस्फाई कर गया है तो ओके okay. लेकिन एक चीज एक बात और भी है मोर एक्यूरेसी के लिए हम लोगों ने ये भी एक चीज़ जो साइंटिस्ट ने निकाला है ये भी आप कर सकते हो मोर एक्यूरेसी के लिए इकोनॉमिक के लिए बी दिया हुआ है डी दिया हुआ है वो मोमेंट का जो फार्मूला मैंने रिजल्टेंट बताए थे वो मोमेंट के फार्मूला में रिजल्टेंट मोमेंट आप निकाल दो रिजल्टेंट मोमेंट निकल गया तो इसको वन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है निकालने के बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग आप एस पी सिक्सटीन में जाके डी डैश बाई एस पी सिक्सटीन में जाके आप लोग एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लो देखो पहले बात तो पी यू पी यू आपके दिया पी यू बाई एफ सी की बी डी निकाल लो पी यू आप जानते हो एफ सी क्यू भी एफ सी के में आप जानते हो बी भी जानते हो डी भी जानते हो और एम यू आप जानते हो ये एम यू आप एमयू भी निकाले एम यू भी आप जानते हो एफ सी के भी जानते हो डी स्क्वायर भी जानते हो बी डी स्क्वायर भी जानते हो तो निकालो निकालने के बाद D बाई डी डैश रेशियो हमारा डी रैश है ये सिक्सटी एम एम का डी रैश हम लोगों ने कंसिडर किया है सिक्सटी एम एम का डी रैश तो सिक्सटी एम एम का डी रैश कंसिडर करने के बाद डी रैश बाई डी आप लोग कंसिडर कर लो ये आपका निकल गया है ये अब चार्ट नंबर फोर्टी फोर नंबर फोर्टी फोर और चार्ट नंबर फोर्टी फाइव से इन दोनों चार्ट से आपको पी बाई एफ सी का जो एरिया ऑफ स्टील है वो निकाल लो अब ये दो चार्ट क्यों यहाँ पर हम लोग दो चार्ट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि डेटा दिया हुआ है एक चार्ट के लिए तो दो चार्ट क्यों देखो दो चार्ट इसीलिए है ये है पॉइंट बाई का रेशियो ठीक से समझो इसके ये है चार्ट में आपको पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग दिया जाएगा और पॉइंट वन फाइव समेस्पॉन्डिंग दिया जाएगा पॉइंट वन टू के करस्पॉन्डिंग कोई डेटा चार्ट पे दिया हुआ नहीं है कोई चार्ट ही नहीं है ऐसा तो इसीलिए पॉइंट वन के लिए आप एक बार ये डेटा पी बाई एफ सी का निकालोगे ठीक है और पॉइंट वन फाइव के लिए भी एक बार पी बाई एफ सी के निकालोगे अब ये जो डेटा आपको मिला इस डेटा से आपको इंटरपोलेट करके ये डेटा इस पॉइंट वन टू के लिए आपको पी बाई एफ सी के निकालना पड़ेगा वही डेटा है ये ठीक है तो बहुत ही आसान है मैंने इसको दिखाया है यू यूनिक लोडेड कलम पे वहाँ पे मैंने इसको किसे निकालते हैं वहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया आप लोगों को वो देख सकते हैं आप वैसे भी ये फंडा बहुत सिंपल है आपको आ, समझ में आ गया होगा तो वो निकालोगे ठीक है पी निकालोगे एरिया ऑफ स्टील निकल के तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद आपका जो टोटल एरिया है वो ये रहा तो बार प्रोवाइड कर दोगे कितना बार है वो प्रोवाइड कर दोगे प्रोवाइड करने के बाद आपका जो काम है ये डेटा को सेटिस्फाई करवाना वो फार्मूला पे तो कैसे सेटिस्फाई करोगे सॉरी ये दोनों कैपेसिटी मैंने बोला था ये दोनों ही कैपेसिटी है ये दोनों कैपेसिटी आपको निकालना पड़ेगा कैसे देखो आप लोगों ने पी तो आप जानते हो एरिया ऑफ स्टील परसेंटेज ऑफ स्टील ये अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किए हो ये वाला पी वाई सी के P by P U by F C के B ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हो देखो पिछले साइड साइड में देखो ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हो पॉइंट फोर ठीक है अब यहाँ पर P by F C के भी है P by F C के अब ये कैलकुलेट करके ये हो गया P by ये पॉइंट फोर पिछले साइड में आप कैलकुलेट कर चुके हो अब D dash जो एमयू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर फ्रॉम चार्ट नंबर कोरोस्पॉन्डिंग डी डैश इक्वेल टू समाव डी डैश बाई डी यहाँ से आप लोग पॉइंट वन वन सिक्स डी डैश बाई डी आप लोग डी डैश बाई डी यहाँ से आप लोग ये चार्ट नंबर फोर्टी फोर फिर से वही बात चार्ट नंबर फोर्टी फोर और चार्ट नंबर फोर्टी फाइव इन दोनों से इंटरपोलेट करके एम यू एक्स वन बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर ये डेटा आप लोग निकालोगे वही से ये डेटा निकलने के बाद आपका एम यू ये एम यू यहाँ से अगर एफ सी के और बी डी यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से फिर से एम यू एक्स वन आपका निकलगा ये चीज़ अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग पिछले बार जब ये चीज़ सेम कैलकुलेट किए थे ये फॉर्मूला पे तो अप्लाइड लोड डाले थे अब सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रेंथ निकल रहा है वही चार्ज से तो ये माजरा क्या है देखिए एक्चुअली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग ये कंसिडर कर ही लेते हैं ये हम लोगों का स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम तो हम लोग इक्वल मान ही सकते हैं ना इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अप्लाइड लोड हम लोग स्ट्रेंथ की रेजिस्टेंस की इक्वल हम लोग कंसिडर किए थे लेकिन हम लोग एक्चुअल यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोग कंसिडर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका यू एक्स वन कैपेसिटी है वो मोमेंट कैपेसिटी आपका निकल गया मोमेंट कैपेसिटी निकलने के बाद फॉर यू एक्स वन डैश बाई बी अब वो डी का हो गया अब ये बी बी के कॉरस्पोंडिंग आपको निकालना पड़ेगा बी के कॉरस्पोडिंग मतलब वाई डिरेक्शन में वाई डरेक्शन में आप निकालोगे वाई डरेक्शन में आपका निकालने के बाद आपका फाइनलाइज जो एम यू वाई वन है तो वाई एम यू वाई वन आपका निकल गया एक डिरेक्शन के लिए निकल गया एक वाई डरेक्शन के लिए आपका निकल गया दोनों चीज़ बहुत ही आसान है सिर्फ चेंज होगा क्या एक में आप डी से डी से डिवाइड करोगे बी बाई डी डैश ये देखो बी डी डैच बाई बी डी डेच बाई डी अब यहाँ पर डी डैच बाई बी सिर्फ वही चेंज होगा बाकी पूरा प्रोसेस सेम है ठीक है तो निकालोगे कैसे मैंने बताया था वही इंटरपोलेशन मेथड से आप ये सब डिस्कस कर लोगे ये, 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 आप लोग इंटरपोलेट करके निकाल लोगे अब निकालने के बाद पी यू जेड बाई अल्फाइन यहाँ पर पी यू जेड निकालोगे पी यू जेड निकालने के फार्मूला दिया हुआ है फार्मूला निकालोगे फार्मूला पी यू जेड का वहीं से ये निकालोग कैलकुलेट कर लोगे अब उसके बाद पी यू अप्लाइड है पी यू जेड आपकी कैपेसिटी जो पिछले बार आप लोगों ने कैलकुलेट किया वो निकालने के बाद इस डेटा आपका हो गया पॉइंट फाइव नाइन वन सिक्स अब ये चीज़ मैंने बताया था कि वो एक चार्ट दिया हुआ आई फोर फाइव सिक्स का सिक्स से वही से आप लोग इंटरपोलेट करके ये चीज़ अल्फा एन निकालोगे अब ये कैसे निकालोगे मैंने अभी अभी डिस्कस किया प्लीज़ रिवाइज करके वो सुन लेना तो बहुत ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो ये चीज़ निकालोगे ठीक है ये चीज़ निकालने के बाद फिर से आपका आगे ये फार्मूला सॉरी ये फार्मूला आएगी इस फार्मूला में पूरा डेटा जो जो आप लोगों ने आप कैलकुलेट किए हो वो कैलकुलेट आप लोग डेटा बैठा हो गया ये आपका अप्लाइड लोड अप्लाइड मोमेंट वन थर्टी एम एक्स यह आपका एप्लाइट एम वाई टू वन ट्वेंटी आपके ये अप्लाइड एम एक्स जो स्ट्रेंथ हो गया कैपेसिटी ये आपकी कैपेसिटी एम एक्स डायरेक्शन में यह आपकी कैपेसिटी वाई डायरेक्शन में अब इसे कॉरेस्पॉन्डिक अल्फा एन में आप निकालोगे निकालने के बाद देखोगे ये लेस देन इक्वल टू वन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ है अब आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है आप ट्रांसफर एनफोर्समेंट कैसे निकालोगे सिंपल सा फंडा है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में जो बार है लेटरल बार लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में मैक्सिमम जो बार होगा उसका फाइव बाई फोर और सिक्स एम एम इन दोनों में से और सिक्स एम mm. इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करोगे अब फाइव बाई फोर सिक्स एम mm में प्रोवाइड करोगे तो देखोगे लमसम एट एम mm एम का नीचे ही आपका आएगा तो एट एम एम ही आप डालोगे सिक्स एम एम से ज़्यादा आएगा देखिए चार ट्वेंटी बाई फोर तो फाइव आप लोग एट एम एम में प्रोवाइड कर दो एट एम एम ही आप लोग प्रोवाइड कर दोगे तो उसके बाद आप लोग स्पेसिंग कैसे डालोगे स्पेसिंग देखो ये एक फार्मूला है ये भी चीज़ हम लोग एक्जी लोडेड कलम में ब्रीफली डिस्कस किए थे कि लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम लिस्ट लेटरल डायमेंशन कितना है फोर हंड्रेड थ्री और सिक्सटीन टाइम ऑफ स्मॉलर डाया सिक्सटीन टाइम ऑफ स्मॉलर डाया आपका कितने इन्फोर्समेंट लॉन्गि डायरेक्शन में कितना बार प्रोवाइड किए थे ट्वेंटी एम एम के बार प्रोवाइड किए प्रोवाइड किए थे, थे? मिनिमम तो सिक्सटीन टाइम तो सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी आपका हो जाएगा कुछ थ्री ट्वेंटी और थ्री हंड्रेड इन तीनों में से जो मिनिमम है वही आप लोग प्रोवाइड करोगे तो इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एट एम बार का टू फिफ्टी सेंटर टू तो सेंटर प्रोवाइड कर दोगे तो ये लेटरल बार भी आपका प्रोवाइड हो जाएगा ये बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है सिर्फ चार्ट फॉलो करो कॉन्सेप्ट को याद रखो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको ये सेटिस्फाई करवाना है तो आपका पूरा का पूरा डिजाइन हो जाएगा ठीक है तो दर्स एंड ऑफ द दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक करो सब्सक्राइब करो मुझे मोटिवेशन मिलता है थैंक यू वेरी मच